हेलो गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है यू गाइस आस्क मी टू मेक अ विंटर हॉल ठीक है सारे ट्रेंच कोट मॉडर्स ड्रेसेस सारी ही विंटर असेंशियल चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ सो विदाउट एनी फॉर दर्ड यू लेट्स गेट स्टार्टी सिर्फ मीशो हॉल होने वाला है मैंने हर जगह से आ, अच्छी चीजें परचेज की विंटर के लिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद ट्रेंडी लेदर जैकेट दिस वन आई गॉट फ्रॉम मीशो एक्चुअली मुझे ना मेरा साइज नहीं मिल रहा था मिंत्रा से मैंने ट्राई किया अलग अलग जगह से आई ट्राईड बट फॉर मी ना बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था सो आई गॉट दिस वन ये मेन्स आ जाता है आई गॉट द साइज स्मॉल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग इसको मैंने स्कर्ट के साथ में स्टाइल किया है विथ बेज स्कर्ट चाहे तो उसको जीन्स के साथ पहन सकते हो आजकल स्कर्ट बहुत ज्यादा ट्रेंड करे दैट्स वाई आई एम वेयरिंग स्कर्ट ओवर यर एंड इट लुक्स नाइस ये जो स्कर्ट है आई गॉट दिस फ्राम अरबेनिक और जो वाइट uh, कलर का टी शर्ट पहनी हूँ दैट यू कैन गेट फ्राम मी शो ऑल्सो बट मैंने सवाना का सारे पहनी हूँ ठीक है द स्कर्ट इज फ्राम सवाना और टोटल नेक वाइट टी शर्ट इज

सो इट इज़ नाइस इट विल कीप यू वॉम मेरे मेरे यहाँ पे ना बिल्कुल भी ठंडी नहीं है तो मैं ना फुल ए सी ऑन करके मैं ये सारे कपड़े को पहन के दिखा रही हूँ कज़ क्या सिर्फ आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसीलिए आज का वीडियो है एंड इट्स वेरी नाइस वेरी गुड क्वालिटी एंड मुझे लगा था कि इसमें से कुछ बैड स्मेल आएगी मैंने दूसरों को देखा है मीशो के लेदर जैकेट के बारे में बुराई करते हुए बट मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ गई है और या yeah, बिल्कुल भी ऐसी गंदी स्मेल भी नहीं आ रही है दिस इज हाउ इट लुक्स यू गाइज तो इट्स नेक्स्ट आई गॉट हुडी ठीक है hoodie, ये मैं खुद खुद भी पहनने वाली हूँ और अपने हस्बैंड के साथ शेयर भी करने वाली हूँ दिस इज हाउ इट लुक्स गॉट दिस फ्रॉम न्यू मी ये मीशो से नहीं है ये न्यू मी से मैंने परचेस किया है आई गॉट दिस हंड्रेड या वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये प्राइस रेंज में आ जाता है ये काफी ओ, काफी ज्यादा क्यूट लगा मुझे ठीक है बहुत ज्यादा ट्रेंडी है माई हस्बैंड लव दिस ये पूरा स्पाइडर मैन डिटेलिंग आ जाता है वेट मैं आपको ना दिखाती हूँ इसकी स्पेशलिटी साइड में वीडियो लगा दूंगी सो यू गाइस कैन सी आप जैसे इसको जिप पूरा ऊपर करोगे ना ये इतना देख सकते हो यहाँ पे ऐसा आपको स्पाइडर डिटेलिंग आ जाता है पास से दिखा रही हूँ मैं लाइक एकदम 3D इफेक्ट दे रहा है ये आल्सो आप इसको एकदम ऊपर तक कभी जिप लगा दोगे ना इट लुक्स सो क्यूट देख सकते हो कि स्पाइडरमैन बन गया है ये तो यामा हस्बैंड लव दिस वन बहुत ही ज्यादा फंकी आ गया है स्टाइलिश है ठीक है और पीछे भी ऐसा डिटेलिंग आ गया है सब भी एकदम थ्री डी डिटेलिंग आ गया है इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल स्लीव इसकी कुछ ऐसी आ गई है लव द कलर कॉम्बिनेशन रेड ब्लैक इट्स वेरी फंकी और ऐसा नहीं कि आप पूरा जिप लगा दोगे तो आपको कुछ दिखेगा कुछ भी नहीं दिखता है मैंने कैसी भी आपको बस स्टाइल के लिए यहाँ पे मैं आपको वीडियो लगा के दिखा रही हूँ तो या आई लव दिस वन इंस्टाग्राम मेड मी बाय दिस इट लुक्स वेरी प्रिटी लाइक बहुत ही ज़्यादा ना फंकी ट्रेंडी सा लगा मुझे

वि ब्लैक जीन्स ये इसमें मैं थोड़ी मोटी लग रही हूँ आई नो बट ये काफी ज्यादा क्यूट आ गया है दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग देख सकते हो मुझे इसकी ईयर्स बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है लाइक like, इवन मैंने जब ये पहनी थी ना माय माय डॉटर वाज हगिंग मी अगेन एंड अगेन इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये इट्स वेरी प्रिटी थ्री हंड्रेड रुपीज में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये पिक्चर जैसा सेम आएगा बट ये सेम टू सेम पिक्चर जैसा आया है अंदर से भी सॉफ्ट डिटेलिंग है लाइनिंग वगैरह दिया गया है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है एंड दिस विल कीप यू वॉर्म ठीक है ये आपको लाइक आपको लगेगी इसमें गर्मी आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी फिटर्स के लिए बेस्ट है मैं भी कहीं पे भी घूमने जाऊंगी ना तो आई विल बी स्टाइलिंग दिस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बट आई विश में इसमें इतनी ज़्यादा मोटी ना लग रही होती तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता क्योंकि इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा मोटा आ गया ठीक है लाइक हाँ मैं ऑलरेडी आई एम लाइक अ राउंड राउंड चबी चिक्स हूँ मैं उसके ऊपर जब मैंने ऐसे पहनी तो एकदम ही राउंड राउंड दिख रही हूँ बट आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स आई फील इसमें मैं क्यूट लग रही हूँ लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर आउटफिट I like Now, let's talk about the most trendy thing of winters, which is a trench coat. Got this दिस uh, from Tokyo Talkies. ये आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएगा या आप Tokyo Talkies के ना catch के वेबसाइट से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो पहले ये मीशो पे भी अवेलेबल था I don't know अभी अवेलेबल है या नहीं बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मीशो पर बहुत जल्दी आउट हो जाता है तो यार दिस इज़ हाउ इट लक्स पहनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं की हूँ सेम जीन्स पे मैंने पहन के दिखाई हूँ एंड या इट लुक्स नाइस अंदर मैंने वाइट टी शर्ट पहनी हूँ टर्टल नेक विच यू कैन गेट फ्रॉम मीशो मीशो पे आपको दो सौ रुपये का पड़ जाएगा बट आई गॉट फ्रॉम सवाना मैं क्यों झूठ बोलूँ मुझे ना क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मैं मीशो से लेके फिर उसको मैं से ना टिंट uh, निकलना शुरू हो जाता मुझे नहीं पसंद तो मैंने ये रिब्ड मटीर टीरियल अगर आपको गुड क्वालिटी गुड क्वालिटी चाहिए गो एंड परचेज फ्रॉम सवाना एट हंड्रेड रुपीज का आपको पड़ जाएगा बट अगर आपको बस अभी के लिए uh, सिर्फ स्टाइलिंग पर्पज के लिए चाहिए देन यू कैन गो फॉर द मीशो वन ठीक है इट्स ऑल अप टू यू बट द वन आई एम वेयरिंग हेयर इज फ्रॉम सवाना uh, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी स्टाइलिश ये हम लोग ना ऊटी घूमने गए थे मैंने इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ तब मैंने इसको स्टाइल की थी ये आपको अच्छा खासा वॉर्म रखेगा अंदर यहाँ पे शोल्डर पे ना ऐसा डिटेलिंग uh, दिया गया है लाइक स्टिफनेस है तो एकदम प्रॉपर से स्टिच uh, वगैरह इसका प्रॉपर बैठता है आई लाइक इट इसमें आपको पॉकेट uh, डिटेलिंग भी आ गई है फ्रंट से दो पॉकेट है लेंथ है ठीक है थोड़ा सा लेंदी आ जाता है तो इट इज़ नाइस ये 800 700 ये कम प्राइस रेंज में मुझे मिल गया था विच इज़ ग्रेट अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी बहुत सही गुड आई हैव मोर ऑप्शन अगर आपको एकदम बेसिक सा रखना है आपके सारा आउटफिट पे सूट होना है जैसा आपको चाहिए गो फॉर ब्लैक वन टू ठीक है द बेज कलर न्यूड कलर जो है वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा बट uh, आप ये भी ट्राई कर सकते हो इट लुक्स नाइस ब्लैक है एकदम कोरियन आउटफिट वाइब दे रहा है मेरे को देख सकते हो आई विश मेरे यहाँ पे इतनी ठंडी होती मैं आराम से इसको पहन पाती बट नहीं मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो ये पहनती हूँ तो आई गॉट द गुड क्वालिटी वन क्योंकि ये मैं स्टोर करके रखती हूँ और विंटर्स के टाइम पर फिर कहीं घूमने जाते हैं तब मैं इसको निकालती हूँ तो या यू गाइज आर लकी अगर आपके यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है अभी दिसंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में वेरी लकी यू गाइस हमारे यहाँ पे नवंबर चल रहा है बट लाइक like अभी नवंबर है ठंडी चल रही है बट यहाँ पे बिल्कुल भी ठंडी नहीं है इट्स वेरी ह्यूमिड ईयर ठीक है तो दिस इज हाउ इट लुक्स देख सकते हो पूरा यहाँ पे ना चार आपको पॉकेट मिल जाता है जिसको तो मैं ओपन नहीं कर रही हूँ बट आई डोंट यूज देट पॉकेट बट इट इज़ नाइस इसका जो मटीरियल है ना ये बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा ऐसा कुछ मटीरियल मतलब सारी जो वाइट ब्लैक है ना तो सारी वाइट चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है इसमें बट या इट इज़ नाइस मैंने भी इसको भी मैंने पहनी थी कहीं घूमने गए थे हम लोग तो या आई रिमेंबर ज्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया एक दो बार यूज़ की बट इट इज़ नाइस अंदर से ऐसा कुछ डिटेलिंग आ जाता है दिस इज फ्रॉम टोक्यो टॉकीज और साइज मीडियम है ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंच कोट मैं आपको एक प्लेटेड शर्ट भी दिखा देती हूँ विच एक्चुअली लुक्स लाइक अ ट्रेंच कोट बट इट इज़ नॉट वेट लेट मी शो यू ये भी मैंने एक साल पहले पहनी थी और अभी विंटर्स में मैंने वापस से निकाल ली ठीक है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ये मुझे दोनों से भी ज़्यादा मेरे को ये अच्छा लगा लाइक या क्योंकि ना ये एकदम कैजुअल जैसा मैं पहन सकती हूँ मैं इसको कभी भी पहन सकती हूँ मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा ठंडी की ज़रूरत नहीं है देख सकते हो इसमें ना ये आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखेगा बट इट इज़ अ प्लेटेड शर्ट ठीक है शर्ट ही है बट थोड़ा सा थिक मटेरियल में आ जाता है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ठीक है बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रखेगा कैजुअल वेयर डेली वेयर के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो इसमें भी पॉकेट डिटेलिंग मिल जाता है अगेन ये सारी चीज़ें मुझे अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ टोक्यो टॉकी से मिली है ठीक है और कहीं पे भी आप लेने जाओगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा ये और इसके अंदर पॉकेट डिटेलिंग भी मिल जाती है आपको तो सारे ही जो ऐसा ट्रेंच कोट जैसा लॉन्ग शर्ट जो मैंने आपको दिखाई कोट वगैरह सब में पॉकेट्स मिल जाता है और इसका प्रिंट काफी अच्छा है इसमें और भी वेराइटीज ऑफ प्रिंट कलर्स अवेलेबल है सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग काफी अच्छी क्वालिटी आगी है लास्ट बट नॉट द लीज लास्टली आई हैव अ हुडी ये ग्रे हुडी भी मैंने अच्छा खासा यूज़ करने के बाद में आपको रिव्यू दे रही हूँ तो सारी ही चीज़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ गई है दिस इज़ हाउ द ग्रे हुडी लुक्स लाइक बेसिक सा हुडी है ग्रे या फिर बेज हुडी आपके पास होना ही चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा ठंडी के लिए नहीं है मतलब तो नॉर्मल वाले क्लाइमेट में भी आप इसको स्टाइलिंग पर्पज़ की तरह भी पहन सकते हो लाइक मुझे पर्सनली हमारे यहाँ पे मैं कभी कभार पहन लेती हूँ इतनी गर्मी में भी स्टाइलिश लगता है थोड़ा सा जब बारिश के मौसम में बारिश का मौसम इस ठंडा फॉर अस तो या आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग आई लिव इन केरला और यहाँ uh, के क्लाइमेट के हिसाब से जितने भी आउटफिट में दिखा रही हूँ इट्स नॉट अप्रोप्रिएट बट दिस वन इज अप्रोप्रिएट मतलब ये आप कभी भी स्टाइल कर सकते हो कैजुअली जैसे मैंने प्लेड शर्ट दिखाई थी प्लेडेड शर्ट वैसे ही आ जाता है ये हुडी भी इट लुक्स नाइस इट्स वेरी प्रिटी और दिस वन आई गॉट फ्रॉम सवाना पर ऐसा सेम टू तो सेम आपको मीशो पे दो सौ तीन सौ का मिल जाएगा बट एज आई सेड क्वालिटी डिपेंड करती है अगर आपको गुड क्वालिटी चाहिए तो सवाना से ख़रीद लो और अगर आपको नॉर्मल क्वालिटी बेसिक क्वालिटी चलेगा एक दो बार के लिए ही चाहिए तो आप मीशो से परचेज़ कर सकते हो इट इट इज़ ऑल अप टू यू दिस वन इज़ फ्रॉम सवाना ठीक है काफ़ी अच्छा मटेरियल आ गया है एंड इसको मैंने चार पांच बार वॉश कर चुकी हूँ स्टिल इट इज़ इन अ गुड कंडीशन एकदम नया का नया ही लग रहा है तो या सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लास्ट बट नॉट द लीज लेट्स टॉक अबाउट माई टू डेज आउटफिट आई एम वेयरिंग दिस क्रॉप टी शर्ट विच अगेन आई गॉट फ्राम सवाना या सबसे ज़्यादा मैं कहीं से खुद के लिए पर्चेस करती हूँ पर्सनल यूज के लिए इट इज़ फ्राम सवाना या फिर मिंत्रा ठीक है क्योंकि क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट मिल जाती है देख सकते हो सर रिब्ड मटीरियल आ जाता है और ये बिल्कुल भी नॉट सो मॉडर्स नहीं लगता है इट लुक्स मॉडर्स इनाफ ब्लैक कलर का मैंने जीन्स पहनी हूँ व्हाइट लेग जीन्स है ये वाला आई गॉट फ्रॉम मीशो जीन्स मीशो की है और जो टी शर्ट है ये सवाना का आ गया है ठीक है इसमें ऐसा कुछ डिटेलिंग आ गया है इट लुक्स एक्सपेंसिव लेट मी नो वट यू गाइस थिंक अबाउट दिस ये ऐसा अप एंड डाउन आ गया पीछे सबको फिर भी कवरेज ऐसा मिल जाता है फ्रंट से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है बट या इट इज़ नाइस ये ठंडी के मौसम में नहीं आप इसको कभी भी पहन सकते हो कैजुअल वेयर जैसा टॉप आ गया है इट लुक्स नाइस इट लुक मॉट इज प्रति ठीक है सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा रहेगा अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब uh, कर लेना वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार देना क्योंकि आप लोग पूछ रहे हो वैसे ही वीडियोज में भी लेके आने की कोशिश कर रही हूँ डू लेट मी नो वट यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक नेक्स्ट तो या yeah, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लव ऑफ बाय सारा लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी तो आप कमेंट सेक्शन से परचेस कर सकते हो बाई